नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2021 का धमाकेदार आगाज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच हो चुका है। इस मुकाबले के लिए कप्तान विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतर रही है और साथ ही इस मुकाबले से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते रहे वीडियो को पूरा आखिर तक और साथ ही आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2021 के पहले मुकाबले में धमाकेदार आगाज करे तो। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आज के इस मुकाबले में रोहित शर्मा ज्यादा रन बनाएंगे या फिर विराट कोहली। हमें अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दें। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जाना है, जहां की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मददगार है। यानी कि आज का मुकाबला हमें लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, यानी कि 160 से 170 रन इस मुकाबले में बन सकते हैं। लेकिन जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसके लिए यहाँ पर मुकाबला थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि बाद में यहाँ पर ड्यू आ सकती है। लेकिन उसका ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों टीमों के पास कई शानदार खिलाड़ी मौजूद है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन इस फिलहाल दोनों टीमों के खतरनाक बल्लेबाजों की बात करें तो यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम के पास रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या जैसे कई धुरंधर मौजूद है जो किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं। तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास भी विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल जैसे धमाकेदार बल्लेबाज मौजूद है जो T20 क्रिकेट में एक ही ओवर में मैच का पासा पूरी तरह से पलट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11। तो दोस्तों, वैसे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम के बीच मुकाबला काफी रोमांचक होता है, लेकिन अब तक के पलड़े की बात करें तो यहाँ पर पलड़ा भारी रहा है रोहित शर्मा का, क्योंकि विराट कोहली ज्यादा टिक नहीं पाए हैं रोहित शर्मा की इस मुंबई इंडियंस के सामने। लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करें हम आज के इस मुकाबले में, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से उतर रहे हैं ओपनिंग जोड़ी के तौर पर क्यूटन डिकॉक और रोहित शर्मा। क्यूटन डिकॉक पूरी तरह से यहाँ पर अवेलेबल है इस मुकाबले के लिए, तो यहाँ पर रोहित और क्यूटन की जोड़ी एक बार फिर हमें कमाल करती हुई दिखेगी पहले मुकाबले में। तो वहीं पर नंबर 3 पर उतरने वाले हैं सूर्य कुमार यादव, जिनके बल्ले से यहाँ पर ज्यादा रनों की उम्मीद करेगी मुंबई इंडियंस। तो नंबर 4 पर टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन उतरने वाले हैं। इसके बाद नंबर 5 पर उतरने वाले हैं हार्दिक पांड्या, जो किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं। तो नंबर 6 पर कायरन पोलार्ड उतरेंगे, जो कि इस टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। तो इसके बाद नंबर 7 पर एक और ऑलराउंडर कुणाल पांड्या उतरने वाले हैं, जो मुंबई इंडियंस के सबसे अहम प्लेयर हैं। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद नंबर 8 पर उतरने वाले हैं पीयूष चावला और नंबर 9 पर उतरेंगे राहुल चहर, यानी कि इस टीम के दो स्पिनर रहने वाले हैं पीयूष चावला और राहुल चहर। तो इसके बाद नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर उतरने वाले हैं ट्रेंट बोल्ट और नंबर 11 पर उतरने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, यानी कि टीम की गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी और ऑलराउंडर लाइनअप काफ़ी शानदार है। तो वहीं पर इसके बाद हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 की। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से देवदत्त पड्डीकल और विराट कोहली उतरने वाले हैं। देवदत्त पड्डीकल पूरी तरह से फिट है और अवेलेबल हैं ओपनिंग करने के लिए। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर टीम की तरफ से रजत पाटीदार खेलने वाले हैं, जो एक बेहतरीन प्लेयर हैं और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स उतरेंगे, जो कि इस टीम के सबसे अहम खिलाड़ी हैं। एबी डिविलियर्स से टीम काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद करेगी। तो वहीं पर नंबर 5 पर टीम की तरफ से उतरने वाले हैं एक और विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल से भी यहाँ पर आरसीबी की टीम को गेंद और बैट दोनों से उम्मीद होगी। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 6 पर उतरने वाले हैं वाशिंगटन सुंदर, तो नंबर 7 पर उतरेंगे डेन क्रिश्चियन, दोनों बेहतरीन ऑलराउंडर है। तो वहीं पर नंबर 8 पर काइली जेमिसन उतरने वाले हैं। इसके बाद नंबर 9 पर उतरेंगे नवदीप सैनी, तो नंबर 10 पर यजुवेंद्र चहल और नंबर 11 पर टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज उतरने वाले हैं। यानी कि यह टीम भी फिलहाल काफ़ी मजबूत लग रही है। तो दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखने के बाद आपको क्या लगता है आज के मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी और कौन सी टीम करने जा रही है धमाकेदार शुरुआत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।